अस्सलाम वालेकुम गाइस, सैमसंग गैलेक्सी A9 प्रो पेश कर दिया गया है। सैमसंग का नया फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन गैलेक्सी S10 3 या 4 मुख्तलिफ मॉडल्स में आइंदा माह मुतारफ कराया जाएगा, मगर इससे पहले जनूबी कोरियन कंपनी ने खामोशी से एक और स्मार्टफोन पेश कर दिया। जो गाइस चैनल पर नए हैं उनको वेलकम करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। गुज़श्ता साल की आखिरी से माही में सैमसंग ने अपने पहले 4 कैमरों वाले स्मार्टफोन गैलेक्सी A9 को मुतारफ कराया था और अब जनूबी कोरिया में गैलेक्सी A9 प्रो पेश कर दिया गया है, जिसमें इन्फिनिटी और डिस्प्ले दिया गया है। इन्फिनिटी और डिस्प्ले तो गैलेक्सी S10 के फोन्स में भी दिया जाएगा, जबकि किसी एक वर्जन में 4 बैक कैमरे भी दिए जाएंगे। वैसे सैमसंग ने इन्फिनिटी और डिस्प्ले वाला मोबाइल फ़ोन गुज़श्ता माह गैलेक्सी A8 की शक्ल में मुतारफ कराया था और पैजल को कम अज़ कम करने का बेहतरीन हल पेश किया। अभी इसी तरह के डिस्प्ले से लैस इस कंपनी का दूसरा फ़ोन है जो S10 सीरीज से पहले सामने आया है। गैलेक्सी A9 प्रो में फ्रंट पर 24 मेगापिक्सल पेंच होल कैमरा दिया गया है, जबकि ऊपरी और निचले हिस्से में पेजल इंतहाई कम है। इसके बैक पर 3 कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें से एक 24 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और दूसरा 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस 2x जूम के साथ, जबकि तीसरा 5 मेगापिक्सल सेंसर डेप्थ ऑफ फ्लैट ज़्यादा तफसीलात दिखाने के लिए दिया गया है। फ़ोन के अंदर 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज और 3400 mAh बैटरी दी गई है। प्रोसेसर मुमकिन तौर पर स्नैपड्रैगन 710 है। इस फ़ोन को अगले माह कोरिया में $533 74,000 पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा में फ़रोख्त के लिए पेश किया जाएगा। सो गाइस, ये थी आज की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप भी आइंदा फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसमें फीचर्स दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।